तो न्यूज पंच की शुरुआत में सबसे पहले बात करेंगे बांग्लादेश को लेकर, जहां हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर विश्व भर में तमाम आवाज उठाई जा रही है। देश भर में अगर हम देखें तो कई जगह पर लोग सड़कों पर उतर आए हैं। आज की ही अगर देखें तो आज दिल्ली में बांग्लादेशी दूतावास के बाहर भी बड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें 200 से ज्यादा सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठनों ने हिस्सा लिया है। इसके अलावा सिविल सोसाइटी ऑफ दिल्ली ने सोमवार को भी दिल्ली के सभी जिलों में इसको लेकर प्रदर्शन किया था, और साथ ही प्रदर्शनकारियों ने हिंदुओं पर हो रहे इस अत्याचार और मानवाधिकार हनन के खिलाफ आवाज उठाते हुए सभी जिला अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा था। इससे पहले बीते कल विदेश सचिव ने बांग्लादेश का दौरा किया और दौरा करने के बाद दो टूक जवाब बांग्लादेश को दिया और कहा कि हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए और उनके धार्मिक स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। तो ये कल का दौरा था और उस दौरे के बाद में अभी भी कहीं ना कहीं बांग्लादेश में हिंसा की गूंज हमें देखने को मिल रही है। फिलहाल बांग्लादेश की तस्वीर की भी बात करेंगे, लेकिन साथ ही प्रदर्शन की अलग अलग तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही है। सबसे पहले वो प्रदर्शन की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तो ये दो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। बांग्लादेश में हिंसा के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहा है, लोग सड़कों पर उतर आए हैं। ये दो तस्वीरें हैं जहां दिल्ली को लेकर के, दिल्ली के अंदर तमाम जो लोग हैं वो सड़कों पर उतरते हुए नजर आए और बांग्लादेश के खिलाफ नारेबाजी की, हिंदुओं की सुरक्षा की बात करते हुए नजर आए हैं। तो सिर्फ बात दिल्ली नहीं बल्कि लखनऊ हो या जयपुर हो या दिल्ली के, और दिल्ली के अलावा देश के और भी तमाम जो जगह है वहां पर लगातार प्रशासन को लेकर के और प्रदर्शन किए जा रहे हैं। बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहा है उसके विरोध में ये प्रदर्शन की अलग अलग तस्वीरें सामने आ रहे हैं। और इसके साथ ही बांग्लादेश में फिलहाल मौजूदा हालात क्या हैं, एक बार उस पर भी नजर डालते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि बांग्लादेश में मौजूदा हालात क्या है। पिछले जब से तख्तापलट हुआ है बांग्लादेश में, तब से लेकर अब तक लगातार हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और इस अत्याचार की तस्वीरें अलग अलग कई सारी सामने आई है। फिलहाल ये कुछ तस्वीरें भी हम आप तक दिखा रहे हैं। हालांकि इस अत्याचार से जुड़ी कई सारी तस्वीरें सामने आई जो हम समय समय पर आप तक पहुंचाते हैं, और ऐसे में संत चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी हुई, हिंदू वहां पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी गिरफ्तारी को लेकर के। फिलहाल अभी भी वो जेल में है, जनवरी में उनके मामले को लेकर सुनवाई होनी है, लेकिन वकील तक उन्हें प्रोवाइड नहीं किया गया। जनवरी तक के लिए चिन्मय दास की जमानत पर सुनवाई जो है वो टाल दी गई है, जनवरी में अब उनकी अगली सुनवाई होगी। मंदिरों को लगातार निशाना बांग्लादेश के अंदर बनाया जा रहा है, और सिर्फ मंदिर नहीं बल्कि जो पूजा पाठ की बाकी जगह है वहां पर भी लगातार निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेश की ताजा स्थिति पर भारत की भी पैनी नजर है, भारत लगातार एक एक अपडेट पर वहां नजर बनाए हुए है, और बांग्लादेश ने भारत पर आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का भी आरोप लगाया था। इसके बाद में भारतीय टीवी चैनलों पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग वहां पर हुई, और प्रतिबंध लगाया भी गया कई सारे टीवी चैनलों पर, जिसके बाद में बांग्लादेश ने भारत समेत कई देशों में अपने राजनयिकों को वापस बुला लिया है। भारत के साथ साथ कई ऐसे देश हैं जिन्होंने बांग्लादेश में जो राजनयिक वहां पर मौजूद थे उन सभी को वापस बुला लिया। बांग्लादेश को लेकर अब भारत का रुख भी कहीं ना कहीं सख्त नजर आ रहा है, क्योंकि बीते कल ही विदेश सचिव वहां पर गए थे और वहां जाकर के वहां के जो समकक्ष हैं उनके साथ मुलाकात हुई। साथ ही त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी नागरिकों को होटल सेवाएं ना देने का भी एक बड़ा फैसला भारत की तरफ से लिया गया। इसके अलावा डाइशलैंड और वर्बांडे ने भी हिंदुओं पर हो रहे इस अत्याचारों पर चिंता जाहिर की है। तो लगातार जो मौजूदा हालात हैं उन पर हर कोई चिंता जाहिर कर रहा है। हिंदू संगठन ने वैश्विक ध्यान देने का भी आह्वान किया है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर ये जो अत्याचार हो रहे हैं बांग्लादेश में हिंदुओं पर, इन पर कब रोकथाम लगेगी। हर तरफ लगातार प्रदर्शन की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, जो तस्वीरें वहां से सामने आ रही है हिंदुओं पर अत्याचार की, उनके खिलाफ आवाज उठाई जा रही है, लोग सड़कों पर उतर आए हैं, तख्तियां लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन उसका कोई असर फिलहाल बांग्लादेश में पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। तख्तियों पर लिखा हुआ हिंदुओं का जो नरसंहार है उसे बंद किया जाए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारत भी कहीं ना कहीं दो टूक नजर आ रहा है। ऐसे में बांग्लादेश में जो हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही हैं, उन हिंसा की तस्वीरों पर आखिर कब रोक लगेगी, क्योंकि बीते दिनों में जिस तरीके से हिंदू मंदिरों पर हमले हुए हैं, साथ ही जहां पर पूजा पाठ हो रही थी उन जगहों पर हमला किया गया, चुन चुन कर हिंदुओं को निशाना वहां पर बनाया जा रहा है। सवाल वही है कि आखिर हिंदुओं की सुरक्षा कब होगी, कब सुरक्षित होंगे हिंदू। साथ ही आपको यह भी बता दें कि बांग्लादेश में
जो हिंदू हैं वहां पर वो अल्पसंख्यक हैं, तो ऐसे में अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा आखिर कब? क्या यूनुस सरकार अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा नहीं कर पा रही है? हालांकि इसको लेकर के शेख हसीना की तरफ से भी कई सारे आरोप लगाए गए थे यूनुस सरकार पर कि पूरा जो हमले किए गए वो यूनुस की तरफ से किए गए, और जो आज की तस्वीर है वो भी उसका विदायित पूरा यूनुस सरकार को दिया, और उन्होंने कई सारे आरोप उन्होंने लगाए, मास्टरमाइंड तक यूनुस को बता दिया गया शेख हसीना की तरफ से। लेकिन सवाल अभी भी वही बरकरार, क्या आखिर हिंदुओं पर हो रहे ये हमले कब रुकेंगे? बांग्लादेश हिंसा के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहा है, फिर चाहे बात दिल्ली की करें, बात लखनऊ की करें, या फिर जयपुर की करें, या देश के और तमाम अन्य जगहों की करें, हर तरफ सवाल यही उठ रहे हैं। तो बांग्लादेश की ताजा तस्वीरें हमने आपको दिखाई, इस पर आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल न्यूज पंच में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाए।